नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में जिसमें आपको जरूर इन्वेस्ट करनी चाहिए जब भी आपको गिरावट में मिलता है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे उस स्टॉक के लेवल्स और टारगेट के बारे में, और उस स्टॉक के बारे में डिटेल में जानेंगे उसके फंडामेंटल एनालिसिस, उसके टेक्निकल एनालिसिस, क्या सपोर्ट होना चाहिए, क्या आपका लेवल्स और टारगेट होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए और पर्सनल ट्रेडिंग के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके देख सकते हैं टेक्निकल चार्ट पर, मंथली चार्ट मैंने लगाया। मंथली चार्ट पर देखते हैं ये स्टॉक काफी बुलिश है, देख सकते हैं यहाँ पर काफी है, और इसमें पैंडेमिक के कारण जो गिरावट आया था वो भी लगभग रिकवर हो चुका है। तो दोस्तों कि इतना सॉलिड स्टॉक है, फाइनेंस सेक्टर जो कि काफी ज्यादा इफेक्टेड रहा है, प्रभावित रहा है, उसके बावजूद इसमें रिकवरी देखते हैं पूरी तरह से हो चुका है। तो दोस्तों इस मंथली चार्ट पर काफी बुलिश है, मतलब स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए जो है काफी अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए, सिर्फ इस पैंडेमिक को छोड़ दिया जाए। मतलब पैंडेमिक एक तरह से अपॉर्चुनिटी था आपके पास कि आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद वीकली चार्ट पर चलते हैं, तो वीकली चार्ट पर देख सकते हैं कि स्टॉक थोड़ा कमजोर आपको दिखेगा, मतलब इस कई बार इसमें कमजोरी आया है, लेकिन दोस्तों इसका रिटर्न देखेगा तो काफी जबरदस्त है। ये स्टॉक देख सकते हैं 2011 में मात्र 48 रुपए का हुआ करता था और यहां से 5000 रुपीज का तक जा चुका था। तो दोस्तों समझ सकते हैं कितना बेहतरीन रिटर्न, मतलब आपको यहां से लाखों परसेंट का रिटर्न दिया है बजाज फाइनेंस ने। इतना सॉलिड स्टॉक जरूर आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। यहां 2000 रुपए में आपको मिल रहा था, वो एक बेहतरीन मौका था, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी था आपको इन्वेस्ट करने के लिए। डेली चार्ट पे दिखाएंगे तो डेली चार्ट पे अभी आपको यहां पर देख सकते हैं कि ये जो अपना ऑल टाइम हाई है उसके करीब पहुंचने वाला है। तो यहां पर जो आपका यहां से अगर मतलब करेक्शन आता है तो आपका जो सपोर्ट बनेगा वो बनेगा आपको 3700 का प्राइस। तो ये देखते हैं बार बार इस प्राइस पर ये रेसिस्टेंस फेस कर रहा था, अब यही प्राइस जो है जो अभी चल रहा है अब ये फिर से रेसिस्टेंस का यहां पर काम कर रहा है, क्योंकि देखते हैं इसको ब्रेकआउट दिया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। तो ये जो लेवल है हमारा 4200, इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है स्टॉक। तो यहाँ से अगर इसमें गिरावट आता है तो 3700-3500 इसका यहाँ पर नीचे जो है सपोर्ट बनेगा। तो अभी ये रेसिस्टेंस के पास है जो कि 4200 है, इस रेसिस्टेंस को अगर क्रॉस करता है तो फिर आपको 5000 तक का लेवल देखने मिल सकता है। कभी भी ये 5000 के लेवल को क्रॉस करता है वहाँ से एक बड़ी रैली आपको इस पर देखने मिल सकती है। तो जैसे 5000 के लेवल को क्रॉस कर रहा है तो आप इसमें पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए अपना ट्रेड ले सकते हैं विथ स्टॉप लॉस। दोस्तों स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, नहीं तो आप अगर हायर लेवल पर ट्रैप हो गए तो फिर काफ़ी नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो निश्चित रूप से स्टॉप लॉस आपको लगाना है। हायर लेवल पर अगर फंस गए तो फिर आप काफ़ी झंझट में फंस जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा हैवी लॉस आपको सहना पड़ सकता है। तो इसीलिए जो इन्वेस्टर है उन्हें हमेशा स्टॉक गिरावट में ही खरीदनी चाहिए। जब चीप वैल्यू पर मिलता है तो इन्वेस्टर के लिए एक बेहतरीन मौका रहता है। जैसे 2000 के लेवल पर यह स्टॉक मिल रहा था आपको देखते हैं मई महीने तक, तो यहाँ पर आपके लिए एक बेहतरीन मौका था आपको इसमें इन्वेस्ट करने का। उसके बाद यहाँ से रैली किया तो स्टॉक डायरेक्ट 3200 के आसपास रुका, तो यहाँ पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते थे। अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो अभी आपको जस्ट वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर मार्केट में कोई करेक्शन आता है तो वहाँ पर इस स्टॉक में भी करेक्शन आएगा, वहां पर आपके लिए इन्वेस्टमेंट का एक बेहतरीन मौका होगा। तो दोस्तों अब हम जानेंगे इसके फंडामेंटल एनालिसिस को, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस बताता है आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस से हम लेवल्स और टारगेट जानते हैं, स्टॉप लॉस जानते हैं, और ये स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में आपको कैसा रिटर्न देगा इसे हम फंडामेंटल एनालिसिस से जानते हैं। क्योंकि फंडामेंटल अगर स्ट्रांग है तो अगर स्टॉक रनिंग करना शुरू किया टेक्निकल चार्ट पे तो निश्चित है कि एक लंबा रनिंग करेगा, मतलब एक लंबा मूव आपको देखने मिलेगा स्टॉक में। तो फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी का वैल्यूएशन देखिए 2,59,000 करोड़ का मार्केट कैप है, P/62 का है, जबकि इंडस्ट्री का MA/32 है, तभी भी हाई पी पर ये स्टॉक आपको मिल रहा है। डिविडेंड 500% का है, फेस वैल्यू 2 का है। कॉर्पोरेट एक्शन पर जाकर के आप इसके सारे कॉर्पोरेट एक्शन देख सकते हैं। डिविडेंड कंपनी हर साल दे रही है, देख सकते हैं। बोनस कंपनी कब दिया गया है, 2016 में मात्र दिया है। स्प्लिट हुआ है स्टॉक 2016 में, तो अच्छा नंबर ऑफ स्टॉक्स भी मल्टीप्लाई हुआ इसमें, तो काफ़ी बेहतरीन बातें हैं कि अगर आपका नंबर ऑफ स्टॉक मल्टीप्लाई होता है तो कुछ स्टॉक आप प्रॉफिट के रूप में बुक कर सकते हैं। वही कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें, कंपनी का सेल्स देख लीजिए, कंपनी का सेल्स लगातार इंक्रीज हुआ है, 6000 करोड़ था वहां से लगातार इंक्रीज हुआ, और ये दो क्वार्टर जून और सितंबर क्वार्टर ये तो प्रभावित रहा है पैंडेमिक के कारण, तो यहाँ पर थोड़ा सा सेल्स में गिरावट आया है। नहीं तो अगर आप एनुअल बेसिस पे देखें कंपनी लगातार ग्रोथ में थी। यहाँ पर 7000 करोड़ का था 2016 में, और 2019 में 18 करोड़ पहुंच गया, और 2020 में 26 करोड़, और प्रॉफिट भी देखते हैं मात्र 1200 करोड़ का था, और ये 5000 करोड़ से भी ऊपर जा चुका है। तो दोस्तों लगातार कंपनी ग्रो कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं,
शेयर होल्डिंग पैटर्न भी जबरदस्त है। कंपनी में स्टेक जो है प्रमोटर्स का बड़ा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। कंपनी के बैलेंस शीट को देख लेते हैं। कंपनी का बैलेंस शीट भी काफी जबरदस्त है। इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी के पास है 120 करोड़ का, रिजर्व सरप्लस 31,000 करोड़ का, जो कि लगातार इंक्रीज हुआ है। तो देखते हैं काफी सारी चीजें जो कंपनी के फेवर में है। वहीं माइनॉरिटी इंटरेस्ट 0 है कंपनी का, और कंपनी के ऊपर डेट तो देखने मिलेगा है, क्योंकि ये फाइनेंस कंपनी है। दोस्तों फाइनेंस कंपनी का काम ही होता है कि लोन लेना और लोन देना, बीच का जो मार्जिन होता है वो अर्न करता है, मतलब बीच का जो गैप होता है। जैसे आपसे 7% पे मतलब आपसे लोन लिया और 12% के इंटरेस्ट पे लोन किसी को दिया, तो बीच का जो मार्जिन होता है 4%, 5% वो अर्न करती है फाइनेंस कंपनी। तो दोस्तों इस तरह से कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, बैलेंस शीट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे स्टॉक में आपको गिरावट में जब भी मिले तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए जरूर इन्वेस्ट करने चाहिए। साथ साथ पोजिशन ट्रेडिंग के लिए भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये सारे स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है। साथ साथ महाराष्ट्र स्कूटर, ये भी बजाज ग्रुप की कंपनी है। बजाज ऑटो, ये सारी कंपनियाँ पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी काफ़ी बेहतरीन है। और इन कंपनियों में आप जिसको चाहें दो स्टॉक को चुन सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के, जो बजाज ग्रुप की कंपनी है, बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, बजाज ऑटो हो गया, महाराष्ट्र स्कूटर हो गया। ये सारी बेहतरीन कंपनियाँ हैं बजाज ग्रुप की। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा हो। वीडियो लाइक और शेयर कीजिएगा। चाहे वह पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।